आप किसी भी बड़े कामयाब इंसान की जीवनी पढ़ लेना, उसका कहीं ना कहीं नेटवर्क जरूर होगा। चाहे वो टाटा बिरला हो, रामदेव बाबा हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। इन लोगों की कामयाबी का एक रीजन इनका नेटवर्क होता है। और जो लोग पूछते हैं ना कि जोड़ना क्यों है, इन लोगों को चिढ़ अब से नहीं है। आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पढ़ोगे, एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ मिलेगी कि पूरी दुनिया में हम अकेले ऐसे थे जो 1,000 वर्ष तक हंसते हंसते गुलाम रह गए। 40 करोड़ थे फिर भी रह गए। रीजन, एक सर्वे हुआ था अमेरिका, जापान और इंडिया के बीच, कि ये तीनों क्या करते हैं जब बिजली जाती है। अमेरिका का सिंपल, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फ़ोन करता है और बिजली की व्यवस्था करवाता है। जापान, 99% जापानी खुद ही बिजली ठीक कर लेते हैं, और एक आध की ज़रूरत होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर फ़ोन लगाते हैं। इंडिया वाला क्या करता है, ये बाहर निकलता है, देखता है इधर की भी गई इधर की भी गई, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, तू भी मस्त रह। हम 1,000 वर्ष तक सिर्फ इसीलिए गुलाम रह गए कि जब भी जरूरत पड़ी बाहर निकल के देखा, ये भी गुलाम ये भी गुलाम, तुझे क्या चिंता है, तू भी मस्त रह। तो ये भी जॉब कर रहा है, ये भी जॉब कर रहा है, तुझे क्या पड़ी है अमीर बनने की, जैसे कट रही है कटने दे। और जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, तो आज कंपनीज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कंपनियां प्लान कर रही हैं कि जो 50,000 लेने वाला है उसको बाहर निकालो और इसकी जगह 5-10-10 हज़ार वाले नए लेकर आओ, यंगस्टर्स लेकर आओ। रीज़न, वो 50,000 कमाने वाला अब न्यू स्किल सीखने के लिए रेडी नहीं है और ना उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो कंपनीज प्लान कर रही है कि यंगस्टर्स को लेकर आओ, वो काम भी ज़्यादा करके देंगे, उनके अंदर एनर्जी भी काफ़ी है और न्यू स्किल सीखने के लिए भी रेडी है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, मैं लोगों को जाकर प्लान नहीं दिखा सकता, तो भाई जब खाने के लाने पड़ेंगे ना, जब कंपनी बाहर कर देगी आप लोगों को, जब सैलरी आना बंद हो जाएगी, तो अपना परिवार का पेट पालन करने के लिए मांगोगे भी लोगों से, भीख तक मांगने में शर्म नहीं आएगी। ये तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी बदल जाते हैं। कितने लोगों की ज़िंदगी,